हेलो 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 एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। एंड आज मैं और मयंक फाइनली पता नहीं कितने महीनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले अपने बचपन के बारे में। हमारा बचपन था एक जमाने में, आज भी है। दिल तो बच्चा है जी, फिर भी कच्चा है जी। सो लेट्स स्टार्ट। मयंक टेल मी के इज चाइल्डहुड नेसेसरी? यार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इसमें। बट यार मैं एस्केप करना चाहता था पर एस्केप कर नहीं पाया अपने चाइल्डहुड को, तो इट वाज नेसेसरी एंड इट इज नेसेसरी। फास्ट फॉरवर्ड दबाने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। बचपन में छोटा था यार, तब सब बोलते बड़ा छोटा है यार, तो सोचता यार जब बड़ा होगा तो कुछ करूंगा, पर अब जब बड़ा हो गया तो दोबारा बच्चा बनना चाहता हूँ यार, यही जिंदगी की हकीकत है। तो चाइल्डहुड बहुत ज्यादा, लाइक अगर थोड़ा सीरियस नोट पे बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस वे में तुम्हारा चाइल्डहुड बीत रहा है, कहाँ पे बीत रहा है एंड क्या तुमने किया है एग्जैक्टली उसमें, वो बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारे पूरा लाइफ डिफाइन कर सकता है, मेरे को मुझे ऐसा लगता है। बाकी आगे पॉडकास्ट में और थोड़ा डेप्थ में घुसेंगे, बात करेंगे उसमें, बट चाइल्डहुड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बंदे को या मेनली पेरेंट्स को तो सोचना चाहिए अच्छे से कि कैसे उनके बच्चों का बचपन बीत रहा है। हाँ, तेरे को क्या लगता है? बात तो खरी है। वेल, चाइल्डहुड सच में है नेसेसरी। ऐसा नहीं कि बच्चों को बचपन से बांध के रखे और जब 15 साल का हो तब दुनिया में खुला छोड़ दे। यार वैसे एक्चुअली इसके ऊपर मूवीज बनी हुई है। रूम देखी है तूने? रूम मूवी है ब्री लार्सन की। नहीं, क्या होता है उसमें? वो छोड़, वो तो चलो एकदम थोड़ी डिप्रेसिंग मूवी है। मैं एक तो एनिमे देखता है ना थोड़ा सा यार, ज्यादा नहीं देखा मैंने। नारुतो वगैरह और ड्रैगन बॉल ही देखा है बस, और ज्यादा नहीं देखा मैंने। या अरे मैंने पिछले महीने एक बहुत ही मस्त एनीमे देखा था, उसका नाम है वायलेट एवरगार्डन है। अच्छा, तो उसमें बेसिकली प्लॉट यही है कि एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बचपन से उसको बस सिर्फ मिलिट्री में डाल देते हैं कि स्टार्टिंग से ट्रेन करते हैं कि एक वेपन की तरह यूज करते हैं। तो उसके पास चाइल्डहुड कुछ नहीं होता, मतलब इमोशनलेस होती है, सेंसलेस होती है, बेसिकली एक रोबोट की तरह वो बिहेव करती है। एंड उसकी स्टोरी है कि जब वॉर खत्म हो जाती है तब उसके पास कुछ होता नहीं, उसका जनरल जो होता है वो भी मर जाता है जो उसको ऑर्डर्स देता है। अच्छा, तो फिर वो दुनिया के साथ डील कैसे करती है, दुनिया में एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करती है। तो उसको कुछ नहीं आता होता ये लड़ाई करने के अलावा, सो किसी और की फीलिंग समझ नहीं पाती है। तो उसका जॉब मिलता है एक लेटर राइटर, वो लाइक पुराने जमाने की है। तो उसमें बेसिकली दूसरे लोग आके अपनी फीलिंग्स बताते हैं और उसको उनकी फीलिंग्स को लेटर में लिख के भेजना होता है। सो वो पूरी एम्पथी वगैरह ये सब समझती है, पूरा उसका प्रोसेस दिखाते, जर्नी दिखाते कि क्या गया। पर इतनी गंदी मूवी है, मतलब अच्छे वे में गंदी मूवी है ना, सॉरी सीरीज है। सो सीरीज भी है, मूवी भी है। लिटरली मैं डिहाइड्रेट हो गया था रो रो के, मैं ज्यादा रोता नहीं बट मैं बहुत रोया था, वो बहुत ज्यादा मस्त यार ये। इफ एनीवन लव्स एनीमे एंड तो ये चाइल्डहुड के ऊपर तो दिस इज द परफेक्ट वन, यू शुड डेफिनेटली वॉच। नहीं तूने जैसे बोला मैं थोड़ा इमेजिन भी कर रहा था, तो लाइक ऐसे जैसे स्टोरी है ये, कुछ फील नहीं किया और अचानक से फिर वो लिख रही है वो सब, तो पूरा इमोशनल और ये सब मतलब डायरेक्टली फील कर रहा वगैरह, वो भी किसी और के थ्रू, बहुत ज्यादा मतलब अलग है यार। वही स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा फेल होती है, उसको वो बराबर से लिख नहीं पाती, उसको वो जॉब में भी ऑलमोस्ट निकालने ही वाले होते हैं। फिर धीरे धीरे चीजें होती है, जर्नी आगे बढ़ती रहती है, फिर इतनी ज्यादा एम्पथेटिक हो जाती है। तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि जो जनरली हम लोग बचपन में इमोशन समझते हैं वो हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते, कंपेयर टू अगर हम बड़े होके वही सेम इमोशन पहली बार सीखे तो आई थिंक हम बराबर से सीख सकते हैं। कि बचपन में शेयरिंग करना, किसी की हेल्प करना, ये वगैरह वगैरह हम लोग को कंपल्सरीली माँ बाप बोलते थे इसलिए हम लोग करते थे, नॉट बिकॉज आउट ऑफ चॉइस या दूसरों को देख के हम करते थे। ऐसा हमें अंदर से फील नहीं होता था कि हमें करना चाहिए, बट यही चीज बड़े को समझे तो उनका दिमाग थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम दिस मूवी के फ्रॉम दिस सीरीज के उसमें लाइक इंसान एक बेटर इंसान बन सकता है। एंड वो बाद में एंड में इतनी ज्यादा बड़ी लाइक स्टार टाइप बन जाती है, नॉट स्टार टाइप बट लाइक बहुत फेमस हो जाती है वो, कि सबको अच्छा लगता है कि उसके लेटर्स पढ़ के सब रोते हैं, लाइक सब एकदम ऐसा लगता है कि बस दिल की बातें बोल दी है इसने, पर एक्चुअली दिल की बातें बोल देती है वो। सो लेकिन बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग सीरीज है, इससे बेटर सीरीज मैंने लाइफ में नहीं देखी। सो या दैट्स दैट यार। तो जैसे तूने ये बात बोली ना, तो लाइक मुझे भी लगता है ऐसा कि अब यार, बट इस चीज को हम स्किप नहीं कर सकते, मतलब जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बचपन में हमारे माँ बाप हमें बताते हैं और फोर्सफुली, जैसे तूने बोला ठीक है, तो हम लोग करते हैं, मन नहीं होता तो इसलिए अच्छे से भी नहीं करते, कभी उसका वैल्यू नहीं करते। बट जैसे अब बड़े हो गए तो अब जाके समझ में आई है कुछ चीजें वगैरह कि हाँ यार ये तो इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा, मतलब अब समझ में आ रहा है। सपोज मतलब अगर एग्जाम्पल हूँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना टाइप की चीजें समझ लो, कि बचपन में हम लोग ऐसे फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा लेते थे, हम लोग सोचते यार क्यों बार बार बोलते रहते हैं और ये है वो। अब मैं बड़ा हो गया तो कभी कभार फील होता है मुझे कि हाँ यार बहुत सही है, वो लोग सही बोलते हैं ऐसे वो। बट यार ये
अब यही तो चाइल्डहुड है कि बचपन में कुछ चीजें जो तुमने फेस की है, एक्सपीरियंस की है, या जैसे भी तुम्हारी अपब्रिंगिंग है उसके उसी से तो तुम्हारा माइंडसेट डेवलप हुआ है ना। तो ये तो मतलब हम लोग स्केप ही नहीं कर सकते यार। तो मतलब जैसे ये चीज से सबको गुजरना ही पड़ेगा, और सबको सारी चीजें मतलब अब वो किस वे में ले रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड कह ले, या वेल एडिकेट्स कह ले, या कुछ भी कह ले, जैसे उनको बचपन में सिखाया वगैरह। कुछ लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा लॉस वगैरह देखा होता है तो वो इमोशनली स्ट्रांग भी हो जाते हैं। बट ये भी होता है कि इसके दो साइड है, एक तो इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, एक हो जाते बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज हो जाते हैं वो लोग, कि यार उनके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ होता है तो वो आगे जाके शेयर नहीं करते चीजें, या थोड़ा बंदे बंदे रहते हैं, या स्कार शायद हो जाते हैं एचआईवी फॉर कुछ लाइफ। भी। हाँ तो ये यार ये मतलब सबके ऊपर अलग अलग चीज है। इमोशन सेम है बट लोगों का लेने का तरीका अलग है, एंड शायद बचपन वही है। तो जैसे अगर तूने जो बताया ना कि बचपन में वो बंद थी, या मतलब जो ब्री लार्सन वाला तू मूवी का बोल रहा था, होम वाला, तो मैंने अपने हॉस्टल में भी एक बंदा देखा था कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने लाइफ में। अभी मेरे को उसका स्टोरी आ रही है दिमाग में कि यार उनके उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज्यादा एकदम एक शील्ड में रखा था, बांध के रखा था, ज्यादा कुछ चीजें करने नहीं दी, या ज्यादा कुछ ऐसे बाहर रहने नहीं दिया, या थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल आ गया। सपोज घर वाले कुछ काम ही नहीं करा रहे, हर एक चीज के लिए भाई कोई ना कोई है, या माँ बाप ही खुद कर रहे हैं सारी चीजें, एंड फिर उनको अचानक से जब 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में कुछ करना पड़ता है तो उनसे नहीं होता है। बहुत ज्यादा उनको एडजस्ट वही करना पड़ता है, धूप में निकलना कह लो, या कुछ थोड़ा बहुत बैंक के चक्कर काटना कह लो, ये सब बहुत बेसिक चीज है, बट घर वाले कुछ करवाते ही नहीं है। और उसके बाद जब कॉलेज वॉलेज में, हॉस्टल में आके भाई, यहाँ पे हॉस्टल की एक लाइफ अलग है, वहां पे तुम रह रहे हो तो भाई वो बच्चे बहुत अलग ही दिखते हैं और बहुत अजीब ही चूते होते हैं। ये थोड़ा सा एक तेरे डिफरेंस हॉस्टल में है, थे ना ऐसे दो चार लोग? थे बहुत सारे। एंड मैं ऐसे कि यार ये कोई बड़ी मतलब, क्योंकि ठीक है मेरा अपब्रिंगिंग अलग है तो मेरे लिए वो चीज कोई बड़ी नहीं थी, बट उनको वो चीज प्रॉब्लमेटिक लगती थी, तो बहुत फर्क पड़ ओके जाता है उसमें। चल, इसके ऊपर अपन थोड़ी देर बाद में टच करते हैं वापस। वी विल विजिट दिस हाँ जब अपन अपने बचपन के बारे में बात करते। अभी पहले हाँ इन जनरल आजकल के लोगों के बारे में बात कर लेते कि जो करंट है जेन जी। एक्चुअली पता है अपन भी जेन जी है, मेरे को थोड़े दिन पहले ही रियलाइज मेरे को भी हुआ, कुछ दिन मैंने गूगल पहले ही किया। एक फ्रेंड ने बताया हाँ था। वही, मैं हाँ समझता था हम मिलेनियल्स, हम मिलेनियल्स है, यार बट सच 97 में। के बाद वाले जेन सी है। सो नई डिस्कवरी हुई है कुछ दिन ये पहले। पोस्ट 2000, 2005, 2010, ये सारे जो बच्चे हैं अभी अभी वाले, जो अभी अभी लाइक चाइल्डहुड या टीनेज में हैं, व्हाट डू यू थिंक के उनके चाइल्डहुड में क्या डिफरेंस है हमसे? एक तो है बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, स्मार्टफोन्स एंड ईज ऑफ इंटरनेट एंड ईज ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो क्या लगता है? यार मेन चीज जो मुझे आजकल के बच्चों में दिखे, थे मेरे फैमिली में भी कुछ बच्चे हैं, तो मैंने जो एक डिफरेंस देखा है वो ये है कि यार कोई फिजिकल मतलब है ही नहीं उनका, मतलब गेम वगैरह खेलना, बाहर वगैरह खेलना जो भी होता है, बहुत ही रेयरली यार वो एक इवेंट बन गया। पहले एक रूटीन था हमारे लाइफ में कि यार डेली शाम को 5 बजे नीचे चले गए, बैट बॉल खेला, या आइस पैस खेली, या जो भी हम लोग खेलते थे बचपन में वगैरह, कि 3-4 घंटे घूम रहे खेल रहे हो। अब एक इवेंट बन गया कि कभी एक बार 2-3 हफ्ते में अगर कहीं चले गए, बच्चे मिल गए, या स्कूल में है तो खेल रहे हैं, वो अलग चीज है। तो ये चीज मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। दूसरा टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा ना वो मतलब कुछ अपनी उम्र से ज्यादा की चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, अच्छे वे में कह लो या बुरे वे में कह लो, कुछ भी है, उनको चीजें समझ में आ रही है बट एक्सपीरियंस नहीं है, और नॉलेज मिलता जा रहा है वैसे काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से या किसी भी चीज से, तो वो लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। कुछ कुछ जो मैंने अपने आसपास बच्चे देखे हैं, हो सकता हो कि गलत हो मैं इसमें, बट मेरे को सबसे ज्यादा तो फील यही होता है कि यार जो बाहर खेलने का, चोट लगने का जो चीज होती है, साइकिल चला के गिरने का जो चीज होती है, दोस्तों के साथ कभी कभार मारा मारी होती है, बोला बोली होती है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आजकल के बच्चों में मिस है। ठीक है कुछ बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के यार ठीक है कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं, उनका तो एक अलग ही चीज है, बट मैक्सिमम बच्चे तो वैसे नहीं है, वो तो गिने चुने बच्चे जो जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका दिमाग ही मतलब भरता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे यार, वो बैठे हुए हैं घर पे, लोगों के लाइव स्ट्रीम देखने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा है, वो यार ये सब जो गेमर्स होते हैं इन सब के लाइव स्ट्रीम व्लॉगिंग इतना ज्यादा कंज्यूम्ड है उसमें, डेली देखता है भाई। तो मैं ऐसे कि तू क्या कर रहे हो उसका देख के, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, और वो उनको लगता है कि वही लाइफ है, वही फन है, हाँ तो ये एक फर्क मुझे लगता है, देखो क्या फील होता है। ओके। एक्चुअली तूने ये जो बोला कि जो आजकल के थोड़े से बच्चे हैं जो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं और अपना खुद का कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली सबसे ज्यादा बुरा उन लोग के लिए लगता है कि ये एज नहीं है ये सब करने की। सोच अभी वो वाले माइंडसेट में कि जो आजू बाजू देखते वही सीखते, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी,
तो अभी उनके दिमाग में यही हार्डवायर हो रहा है, सोशल वैलिडेशन, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब चीजें कि इतने लाइक्स आए, इस टाइप का कंटेंट बनाना है, या फिर ये ट्रेंडिंग चल रहा है तो दूसरे जो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं तो तुम्हें भी वही करना है, तो ही तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम अपना खुद का करोगे तो मे बी शायद उतनी रीच ना मिले। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा ये सब के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, अपने आप पे होने के बदले। ये जो तूने बाकी का बोला कि लोग खेलते हैं दोस्तों के साथ, बोला वाली होती है उसमें लाइक खुद की पर्सनालिटी भी थोड़ी सी डेवलप होती है। इसमें खुद की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, इसमें बस एक स्टैंडर्ड टिपिकल टाइपकास्टेड पर्सनालिटी होती है। मतलब इंस्टाग्राम पे भी तो इन्फ्लुएंसर्स को देख लेगा तो तू टाइपकास्ट कर सकता है कि ये क्यूट लड़कियां होती है जो सिर्फ डांस करती है, उनकी पर्सनालिटी नहीं होती, बस सिर्फ दिखने में अच्छी है, वही उनका काम है। फिर थोड़े फनी वाले होते हैं, थोड़े ये मीम्स बनाते रहते हैं, मतलब एकदम टाइपकास्ट कर सकते हैं। तो वो उसको फिर अपने आप को वही कर देगा, उसकी एक इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि कुछ होगी, क्योंकि बचपन से वो इसी दुनिया में गिरा हुआ है। वो फिर पता नहीं कैसा बिहेव करेगा बड़ा होके, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो ये नहीं करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दैट। एंड उसके अलावा तो बाकी सारे तेरे सारे पॉइंट्स बराबर ही है। आई वुड ऑल्सो से कि उतना भी ज्यादा नहीं है जितना तू सोच रहा है। मतलब आज भी बच्चे खेलते ही है, मतलब मैं रोज ऑफिस से घर आता हूँ तो मेरे सोसाइटी में बच्चे रोज क्रिकेट खेल रही होते हैं, और वो सेम बच्चे ऐसे नहीं है कि अलग अलग आते हैं। सो वो तो आई थिंक जो पेरेंट्स है वो भी सारे तो इतने ऐसे नहीं है कि बच्चों को छोड़ दे। काफी सारे होते हैं डेफिनेटली के बच्चों को अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर दे। पहले तो हमें किसे चटाचट खींच खींच के मार देते थे, आजकल के पेरेंट्स डेफिनेटली मारना कम कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग। बट हाँ, उसमें वही के मे बी इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑल्सो कि पेरेंटिंग हमारे बिना भी कर सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स को सीखना चाहिए था कि ऐसा जरूरी नहीं है तुम दूसरे वेज में भी, बिकॉज तुम्हारा बच्चा भी तो एक इंटेलिजेंट बीइंग है, मतलब एटलीस्ट सेंसिबल बीइंग है यार। मतलब तो ये बात तेरी सही भी है बट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। मतलब यार मतलब मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना नहीं मारा बचपन में, थोड़ा बहुत तो मार पड़ी है, मतलब कुछ कुछ वक्त तो बहुत ज्यादा ही मार दे बे मतलब, बट बट कीवर्ड टू नोट बे मतलब हाँ यार, बट आई थिंक कि उसका भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है माइंडसेट पे, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हो सकता है ठीक है अच्छी पेरेंटिंग भी है, ऐसा नहीं है कि यार नहीं मार रहे तो पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, कुछ भी है, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है बच्चे में, ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कभी कभार पेरेंट्स को थोड़ा सा अगर कभी कभार लिमिट में हल्का फुल्का जब जरूरत है तो वो चीज जरूरी भी है, क्योंकि अगर पेरेंट नहीं मारता है ना तो बच्चे के अंदर वो डर नहीं होता, ठीक है। सबके पेरेंटिंग के तरीके अलग है, पेरेंट्स सब अलग है क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल्स है, तो उनका बहुत अलग तरीका कैसे समझाते हैं कुछ भी है। बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी तो हो सकता है कि यार वो लोग अगर ज्यादा रफ नहीं है अपने बच्चे को लेके, या कभी कभार जब जरूरत है एक चाटे की वो चाटा नहीं पड़ रहा है, तो भाई वो बच्चे को जो डर होता है ना, एक यार बचपन में मुझे था मेरे बाप का डर, समझ रहे, और वो डर होना भी जरूरी होता है कि अगर मेरे पापा मेरे को देख लेंगे करते हुए तो भाई बहुत मार पड़ेगी, या मेरे को उस दिन ना ऐसे किया था तो मेरे को मार पड़ी थी, एक बार एडुटेक से मैं लेट आया था मेरे को मार पड़ी थी ट्यूशन से घर जाने के लिए लेट तो मार पड़ी थी 11th में। हाँ तो क्योंकि अबे वो बहुत सारी चीजों का पाइलअप था जो उस दिन निकला था, तो उससे मुझे एक समझ में आया कि ये मेरी लिमिटेशंस है, या ये चीज से मेरे पेरेंट्स को नहीं अच्छा है, या कहीं ना कहीं मैं भटक रहा हूँ या कुछ भी है, मेरे पापा ने मारा थोड़ा सा मुझे ये वो, तो मेरे को समझ में आया था डर रहा हमेशा, तो थोड़ा सा मैं जो अगर हिल रहा था पाथ पे वो आ गया वापस, तो ये मेरा केस है। ये क्या तुझे सच में ये फील होता है या तू उनके एक्शंस को बस अपने दिल में जस्टिफाई करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, देख मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही मारा है या कुछ, बहुत मतलब कम ही मारा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत पिटते हुए देखा है तो कम मारा है, बट वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड था, एंड उससे मेरे कहीं ना कहीं चीजें मुझे फील हुई कि मैं कंट्रोल में रहा, जो बहुत जरूरी होता है जब तुम बाहर जाते हो, बाहर बहुत सारे बच्चों में इन्फ्लुएंस होते हो वगैरह, तो एक कंट्रोल जो होता है ना वो चीज जरूरी होता है, एक बाप का या माँ का मार का डर होना जरूरी है, मेरे मुझे ऐसा फील होता है। अगर आज पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मार रहे, ठीक है, अगर वो लोग बहुत अच्छे संभाल पा रहे बिना मारे बेस्ट है, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं, बट अगर जब रिक्वायर्ड है तुम्हें लग रहा है तब तुम नहीं मारो, तो यार वो बच्चे को ना एक वो भी मिल जाता है यार, क्या बोलते हैं, एक फ्री हैंड या फ्री होल्ड मिल जाता है कि हाँ ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो बातें सुना देंगे, ठीक है छोड़। तो ये एक फर्क है जो मुझे फील होता है, क्या लगता है इस चीज में? वैसे आई थिंक इसमें ना पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है बच्चों की। हाँ। कि थोड़े बच्चे होते हैं वो ढीठ टाइप के होते हैं कि उनको मार से ही अच्छे से समझ आता है, उनको कितना भी बात कर ले वो बातों से नहीं समझते, और थोड़े बच्चे होते हैं जिनको मार देते हैं तो उनको लाइक बहुत ज्यादा वो स्कार हो जाता है क
कि उनके लिए वो बहुत दिमाग में बहुत बिग डील होती है। कोई बच्चा रोज पिटता रहता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को एवरी वंस इन अ वाइल पड़ गई तो उसको दिमाग में बहुत ज्यादा हिल जाता है। मोस्टली ये लड़कियों में होता है कि लड़कियों को जनरली पड़ती नहीं। मैं ऐसे 4-5 फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनको लाइफ में माँ बाप ने कभी एक बार भी नहीं छुआ है, वो अपने एज की ही है, सो काफी अच्छी है, मेच्योर है, सेंसिबल, और वो बचपन से वैसी ही है। तो आई गेस कि उनके माँ बाप ने डिटेक्ट कर लिया कि हमारी बच्ची बातों से समझ जाती है, सेंसिबल है, कि वो समझ सकती है, अडेप्ट कर सकती है, उसकी पर्सनैलिटी है वैसी, तो उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनके पेरेंटिंग के अलग अलग वेज होते हैं कि बच्ची की कोई चीज रख ली या फिर ऐसा किया कि तू ये करेगी तो ही बाद में तेको तेरी चीज वापस मिलेगी, या तो 2 दिन के लिए फोन नहीं मिलेगा, और व्हाटएवर। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल कि उस वे में भी लाइक कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पनिशमेंट सिर्फ फिजिकल वायलेंस से ही होनी चाहिए। हाँ वो मतलब यार डिपेंड करता है बच्चों के पर्सनालिटी के ऊपर है। बट इस चीज में यार जैसे पहले के मतलब जैसे पहले के टीचर्स वगैरह हो गए, स्कूलिंग वगैरह हो गई, ठीक है, तो पहले के टीचर्स वगैरह यार मतलब अलाउड था या नहीं था या जो भी कह लो, ठीक है, तो पहले के टीचर्स कभी कभार गुस्सा था तो मारते थे, पनिशमेंट देते थे यार, स्केल से थोड़ा सा मार दिया या कुछ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, बहुत बार बहुत ज्यादा। अरे टीचर्स को तो बिल्कुल भी हक नहीं होना चाहिए ऑनेस्टली। हाँ। मेरे को लाइफ में सिर्फ एक बार विशाल ने मारा था, तेको याद है क्या? याद दिया, थोड़ा सा मुझे एनलाइटन कर। नहीं चाह रहे थे, मूविंग ऑन, हम लोग आज के बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। आई थिंक टीचर्स को जो जो पहले वो जो बहुत ज्यादा उस चीज का फायदा उठाते हैं या बहुत ज्यादा मारते हैं वो तो बहुत गलत है, ठीक है, बट मैंने कभी ये नहीं माना। काफी सारे टीचर्स तो नहीं सेडिस्टिक होती है कि बस मजे लेने के लिए मारते, कि छोटे छोटे बच्चों के सॉफ्ट सॉफ्ट गालों ना चटाचट दो चाटे चिपका दो, इसलिए मजे लेते रहती है वो। यार ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है और बहुत वाइड है ये चीज, बट मुझे ऐसा फील होता है कि सब पर्सनालिटी पे तूने जो बोला वो बात बहुत सही है, मैटर करती है। बट जैसे अब आजकल के टीचर्स को कुछ अलाउड नहीं होता ना, तो मैंने ये भी देखा कि यार बच्चे ना टीचर्स को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उनके मन में वो एक रिस्पेक्ट या डर नहीं होता है, एंड वो चीज अच्छी नहीं है। वो चीज मुझे फील होता है एज अ टीचर, वो भले कैसा भी हो, हम स्टूडेंट है, हमारा हक नहीं है कि हम उनको यार इंसल्ट करें क्लास के सामने, बच्चे चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। मैंने अपने कॉलेज में देखा है वो चीज, एंड वो चीज स्कूल में भी तो देखा है। स्कूल में तो तेरे को पता ही है, तो स्कूल में ज्यादा देखा है। हाँ, स्कूल में ज्यादा ही देखा है मैंने, तो कॉलेज में भी ऐसा था फर्स्ट ईयर में, तो वो चीज मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बच्चों में वो डर नहीं है टीचर का या रिस्पेक्ट। डर तो चल एक अलग चीज है, रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है टीचर के लिए, वो टीचर कैसा भी हो। तो जैसे बचपन में जैसे सपोज संजय सर वगैरह, उन्होंने एक दो बार मुझे मारा है, ठीक है, स्कूल में या कुछ भी ऐसे, तो मुझे उससे कभी ऐसे ग्रजेस नहीं रहते यार क्यों मारा। और आजकल के बच्चों मतलब आजकल के पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को ज्यादा होता है कि यार हमारे बच्चों को छूना मत, कुछ भी हो हमें बताना है, ये करना वो करना, पर उसे मारना मत, ये वो। पेरेंट्स को ज्यादा ही प्रोटेक्टिव, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये दुनिया हमेशा अपने बच्चों को या अपने आप को प्रोटेक्टिव रख के नहीं चलने वाली यार। तो थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्का एक चाटा है या थोड़ा पनिशमेंट है, ये सब बहुत नेसेसरी है लाइफ में झेलने के लिए चीजें यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। किसी बच्चे को यार आज तक माँ बाप ने नहीं मारा, टीचर ने नहीं मारा, उसको साले दोस्तों के साथ कभी अगर वो बाहर ही नहीं निकला, उसने कभी खेला नहीं है, भाई कभी रस्ते में पंगे वंगे हो गए, वो कैसे झेलेगा उस चीज को, समझ रहे? किसी ने एक चाटा मार दिया भाई, वो तो एकदम ऐसे हो जाएगा कि यार क्या हो गया मेरे साथ, तो एकदम अलग ही टूट सा जाएगा यार वो बच्चा। तो बहुत नहीं वैसा नहीं हुआ, तो दोस्तों एक दूसरे को मारते रहते ना, माँ बाप ने नहीं मारा तो उसको क्यों कंपेयर कर रहे। बचपन में फ्रेंड्स तो बच्चे तो एक दूसरे को मारते ही घूमते रहते हैं। आई डोंट थिंक किसी कोई भी बच्चे का बचपन ऐसा गुजरा होगा कि उसने किसी के साथ मारपीट ना की हो, भले इंटेंस लेवल पे नहीं की, बट छोटा मोटा तो होता ही है। फर्क पड़ता है यार, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, ठीक है, ये अलग बात है, बट चाइल्डहुड में डिफरेंस तो आ गया अभी में और पहले में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, तूने एक वो पॉइंट भी बोला कि आजकल के बच्चे थोड़े से इंसेंसिटिव हो गए या ज्यादा चीजें समझते हैं, वो तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि वो लोग कंटेंट ही उस टाइप का कंज्यूम कर रहे हैं कि अपने आपको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी एक कजिन बहन है, 11-12 साल की है, उसके डैड की डेथ हो गई। अच्छा। सो मुझे लगा कि सैड होगी, रो रही होगी, पता नहीं क्या। सो मैं तो, वो मुंबई में रहती है, तो जिस दिन डेथ हुई थी मैं उसके अराउंड 10-12 घंटे बाद पहुंचा था वहां पे। तो तब तो वो नॉर्मली थी, और मैं 2-3 दिन था वहां पे, वो एकदम पूरी की पूरी नॉर्मल थी। मेरे पेरेंट्स भी देखा उसको 1% का भी फर्क नहीं आया, जैसे रूटीन लाइफ चल रही है वैसे ही। और बाद में पूछा तो दूसरों ने कहा कि वो एक बार भी नहीं रोई है जब से उसके पापा गए। सो पहले तो मुझे लग रहा था कि मे बी वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि अपने अंदर ही ऐसे दबा दबा के अंदर ही भर के रखा हुआ है, इनसेंसिटिव हो गई है। बट बाद में एक्चुअली पता चला कि वो
ऐसा ही प्रिटेंड कर रही कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब उसको अंदर से जो माँ बाप के लिए प्यार होता है वो नहीं है। मे बी आई डोंट नो कि उसके पापा ने उसको कैसे ट्रीट कर रखा है, मतलब रिलेटिव में है बट लाइक उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी, मुझे नहीं पता क्या पता कि उसकी पेरेंटिंग शायद अच्छी नो, इसलिए वो शायद उसके खुद के पापा से ही क्लोज नहीं थी, बट बहुत अनलाइकली रखता है क्योंकि लड़कियां तो मोस्टली पापा से क्लोज होती ही है। तो अभी भी लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया, अभी लास्ट वीक मेरे सॉरी 15 दिन पहले मेरे कजिन्स वापस यहाँ पे आए थे मेरे घर पे, एंड वो भी आई थी एंड एकदम नॉर्मल थी, चिल में घूम रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लाइक बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं। और वो 11-12 साल की बच्ची फ्रेंड्स 3-3 बार देख चुकी है, पीकी ब्लाइंडर्स देख रही है, गंदे गंदे शोज देख रही है, बाकी के नाम नहीं लेने वाला बट समझ जाता हूँ। समझ गया। अरे एटलीस्ट टीन एज तो बन जाओ, अभी तक तो टीन भी नहीं पहुंची, अभी तो लिटरली उसका चाइल्डहुड चल रहा है, 13 की भी नहीं हुई है। वही तो बात है। अब जैसे यार मेरा भी, मेरी सिस्टर का बेटा है तो वो 10 साल का है, उसका पूरा दिन का रूटीन, अब यार ठीक है उसके आसपास उसके एज के लोग नहीं है, वो ज्यादा बाहर जाता नहीं है, स्कूल जाता है तो दोस्तों से मिलता है खेलता है, ठीक है उसके आसपास कोई उसके एज का लोग नहीं, तो सोसाइटी वाले दोस्त होते हैं ना वो नहीं है उसके पास। उसका पूरा दिन क्या होता है, कॉलेज स्कूल गया, स्कूल से आया फिर अपने फोन में लग गया, गेमिंग की वीडियोस देख रहा है, माइनक्राफ्ट के वो गंदे गंदे से वीडियोस देख रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आता, चल ठीक है नो ऑफेंस बट मेरे को नहीं पसंद है बट और मतलब उनको जो ऑनलाइन है उनके लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है अपने खुद के पर्सनल लाइफ से, अपने खुद के रिलेटिव से, अपने खुद के घर वालों से, अपने खुद की मम्मी से पापा से, उन लोग से ज्यादा इंटरेस्ट उनको बाहर के उसमें यार। तो वो चीज ना बहुत ज्यादा मतलब, और अब यार वो कंटेंट का कोई वैसा तो है नहीं कि यार कुछ बैरियर लगा हुआ है, सब कुछ देख रहे हैं वो, कैरी मिराठी देख रहे हैं वो, आशीष चंचलानी देख रहे हैं, 10 साल का बच्चा है वो, सब कुछ गाली गलौज सब कुछ देख रहे हैं, क्या पता कभी कभार ऑब्वियसली पॉर्न वगैरह ये सब भी डिस्कवर कर लिया हो या आ गया हो या जो भी हो, हमें भी नहीं पता, ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा, दिख नहीं जाता। सॉफ्ट पोर्न तो कितना ज्यादा यूट्यूब पे ही भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पे यार इतना सब कुछ, मतलब ये सब चीज अब यार कोई बच्चा 10 साल की उम्र में ये सब देख रहा है, अभी तो वो 18 और 19 में पहुंचा ही नहीं है जब उसके वो हार्मोन्स बूम करते हैं वो सब चीज सोचते हैं, तो आई मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि आगे क्या होगा, और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा गलत लगती है क्योंकि अब यार पेरेंट्स भी अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि वो एक फोन, और फोन एक नेसेसिटी है यार, बच्चा हो या बड़ा हो कुछ भी हो, पेरेंट्स ये सोच के देते हैं ठीक है फोन रहेगा तो भाई कुछ चीजें पढ़ेगा सीखेगा या कॉल करेगा जैसा भी वो सोचे, अब वो चीज है बट वो बहुत गलत है यार, और फिर मतलब बहुत ज्यादा बहुत गलत है, मुझे ऐसा फील होता है, और ये चीज सही नहीं है कि बच्चे इस चीज में ज्यादा कंज्यूम्ड है कि ऑनलाइन क्या चल रहा है बल्कि अपने घर में क्या चल रहा है, उनको अपने घर के बारे में नहीं पता, उनको अपने रिलेटिव्स का वो कनेक्शन नहीं है यार, पहले बचपन में जैसे मामा मामी के घर जा रहे हैं किसी घर जा रहे हैं वो एक अलग चीज होता था, आजकल इनसेंसिटिविटी तो है काफी ज्यादा है, और ये बात तेरी पॉइंट बहुत सही है जो तूने बताया ना, तो वो गलत चीज। हाँ बट हम लोग ना एक्चुअली कुछ ज्यादा ही बच्चा बैशिंग कर रहे हैं, इतना भी ज्यादा खराब नहीं है आज की जनरेशन। ऑल्सो ये पॉइंट जो तूने वो बोला वो उस पे मेरे को 2-3 लाइंस और बोलनी है कि रील्स ने और ही लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि अभी उनका एक तो अटेंशन स्पैन और कम होते जा रहा है, प्लस पेशेंस लेवल कम हो रहा है कि थोड़ा सा भी 5 सेकंड भी बोरिंग लगा तो नेक्स्ट, क्योंकि अब कॉन्टेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है। हम लोग जब छोटे थे तब हमें अगर मूवीज देखनी थी तो या तो थिएटर जाना पड़ता था या नीचे जाके वो 30-30 रुपए की पायरेटेड सीडीज खरीदनी पड़ती थी। लिए मैंने सीडी बहुत ज़्यादा। वही या तो फिर हमें वेट करना पड़ता था कि टीवी पे कब आएगा, और जब आता था तब वो हम देखते थे। अभी सब कुछ लिटरली अवेलेबल है, जिसको जो जब हो मन देखने का वो तब देख सकता है, पेशेंस नहीं है कुछ नहीं है, मतलब ये सब हम लोग फिर, अरे हम लोग खुद अब तक अडिक्ट हो जाते हैं, और हम लोग तो इतने बड़े हैं, तो छोटे बच्चे तो स्टार्टिंग से ही उनका पूरा माइंडसेट ही पता नहीं कैसा होगा। बट ये बच्चा बैशिंग खत्म हो गया यहाँ पे, अब अच्छी बातें भी करते हैं आजकल के बच्चों के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू कि 15 दिन पहले मेरे कजिन आए थे, सो मेरा दूसरा कजिन भाई भी आया था, वो 14-15 साल का है। मैं 14-15 साल में एकदम मन था, लड़कियों के पीछे घुसा हुआ था, फ्रेंड्स के साथ चिल करना था, कुछ नहीं करना था, लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा था मैंने। कंपेयर टू हिम वो ऑलरेडी इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा है अपने लिए, वो स्टार्टिंग से उसको थोड़ा सा लाइफ में हेड स्टार्ट चाहिए कि स्किल्स मिल जाए, उसको पैसे की फर्क नहीं पड़ता, उसको स्किल्स ग्रो करनी है, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाए, क्योंकि देख हम लोग कैसे श्वेताब और ये सबसे इंस्पायर हुए थे पहले, जब शुरू शुरुआत में हम मिले थे कॉलेज में, उन लोगों को तो और पहले से मिल रहा है, जो हम लोग ने गलतियां लेट सीखी है वो लोग अभी से सीख रहे हैं। सो काफी बच्चे इस वे में इंटरनेट का बेटर यूज भी कर रहे हैं और काफी अच्छी चीजें भी कर रहे हैं। सो दैट वे आजकल के बच्चे डेफिनेटली हमसे ज्यादा स्मार्ट है, मैं तो बोलते हूँ, मेरे इंटर्न्स भी कभी कभी मुझसे मेरे साथ काम करते हैं, 18-18 साल की छोटी बच्ची बच्चियां मेरे साथ जो काम करती है इंटर्नशिप में, मेरे को पता है कि वो जब मेरे एज की होगी तो वो मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि अभी से उसका एटीट्यूड इतना अच्छा है, इसकी जो विल होती है, पढ़ाई होती है बहुत कम होते हैं ऑब्वियसली, सो लाइक दोनों साइड ऐसा नहीं कि खराब भी है, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं उसकी वजह से। ये तो है, ये बात तो है,
ट्विटर काफी फॉलो करता हूँ, तो मैंने ट्विटर पे देखा यार 16 16 17 17 साल के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, एंड वो अपने खुद के मतलब कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं, एंड उसके बाद मतलब अब यार उनको एक कंटेंट का ये भी फायदा है, इंटरनेट का ये भी फायदा है, टेक्नोलॉजी का, कि उनको दिख रहा है ना कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो हमें भी करना है, उन्हें वो सेल्फ अवेयरनेस पहले से आ रहा है हल्का सा। चल ठीक है, पेशेंस में थोड़ी सी कमी हो रही है क्योंकि लोग ना, मैंने बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखे कि आई एम 18, आई एम डूइंग दिस मच एंड आई एम अर्निंग दिस मच, देन ऑल्सो आई फील के मैं कम कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ठीक है वो एक अलग उनका खुद का हाँ पर्सपेक्टिव है, बट अवेयरनेस बहुत मिल रही है लोगों को देख के, लोगों को भी लग रहा है, और अच्छे कंटेंट जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज प्रखर या श्वेता या रणबीर का कंटेंट को यार 16 17 साल के या 15 साल के बच्चे सुन रहे हैं, तो भाई वो तो 22 24 साल में फाड़ ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। वही और बहुत कितनी ये सारी चीजें लाइफ की क्लियर हो जाएगी उनको अभी से ही, जो अपनी तरह गलतियां कर करके सीखे वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीधा सुन के जान के सीख सकते हैं। हाँ, तो एक अवेयरनेस तो है जो बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है एंड उसका एक फायदा भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो 15 16 साल 17 साल की उम्र से ही ये सोच रहे हैं कि नहीं यार हमें खुद का ही कुछ करना है, वो लोग के माइंड में वो चीज नहीं है कि कॉलेज आएगा तब फिगर आउट करेंगे कि जॉब करना है कि क्या करना है, वो अभी से उनको ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं कुछ तो करना है कि ताकि अपना खुद का हो वगैरह, एंड ये चीज मतलब ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड ये चीज तो फायदा है ही। या डेफिनेटली। और एक्चुअली मेरे को इससे, तूने ये बात बोली ना, इससे याद आया, तो रिसेंटली अराउंड लास्ट मंथ मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, वो हाँ उसने जस्ट 12th क्लियर किया है। सो मैं जनरली इतने छोटे लोगों को उठाता नहीं, मैं जनरली सेकेंड थर्ड ईयर के लोगों को ही उठाता हूँ, बट हाँ बिकॉज उसका लाइक मैसेजेस अच्छे आए थे, हमारी जो कन्वर्जेशन हुई थी इनिशियल वाली, तो मैंने सोचा कि चलो चांस लेके देखते हैं। सो उससे बात करके मेरे को रियलाइज हुआ कि वो भी यही सब में डूबा हुआ है, बट वो मोस्टली अमन धतरवाल को फॉलो करता है, देखो पता ही होगा अमन धतरवाल। हाँ, तो वो उसके लिए वो बड़ा भाई टाइप ही है, तो उसने बोले कि उससे वो इतना इंस्पायर हुआ कि उसने गोल बनाया कि वो ग्रेजुएशन होगा तो उसकी उसको प्लेसमेंट में नहीं बैठना, ये उसका गोल है, कि उसके पहले वो उसकी इतनी अच्छी इनकम होगी इसलिए वो अभी से स्किल सेट डेवलप कर रहा है। 12th जस्ट खत्म हुआ, जनरली 12th के बाद लोग चिल करते हैं, मस्ती मारते कि फाइनली पढ़ाई खत्म हुई, और ये कॉलेज और 12th के बीच का पीरियड को यूज करना चाहता है। लाइक ठीक है, उठा लेता हूँ तुझे LLP। नहीं, अमन दत्तरवाल का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत मस्त कंटेंट या बनाता है वो, और बंदा बहुत सो भाई वो सीरियस बच्चों को बहुत इंस्पायर करता है। बहुत हाँ ज्यादा, एंड यार ये एक ब्राइट साइड है, ये ब्राइट साइड है ऑब्वियसली ये सब चीजों का। और ठीक है, अब हम लोग चाइल्डहुड पे बात कर रहे थे तो थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड की बकचोदी को याद करते हैं, तो तू बता कि तेरा ठीक है। चाइल्डहुड ओवरऑल कैसा बीता है, एंड देखो क्या फील होता है कि कौन सी चीजें थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है या बहुत ज्यादा मतलब ठीक है क्यों हो गया यार ऐसा, मतलब जो भी तू शेयर करना चाहे। ओके, चाइल्डहुड में भी एक्चुअली बहुत सारे हैं, तो मैं फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव में बोलूँ या फैमिली पर्सपेक्टिव में बोलूँ, ये दोनों ही बता दूँ? दोनों बता जो तेरे को कंफर्टेबल लगे, पहले दोस्तों का बता दे फिर फैमिली पे आ हाँ जाएंगे। या सो चाइल्डहुड में आई हैव रियलाइज, मतलब आई डोंट नो आई हैव रियल के शुरुआत से ही हुआ है, मतलब मेरी मोस्टली लड़कियां ज्यादा फ्रेंडली कंपेयर टू गाइज, तो हाँ बचपन से लौंडियों के बीच में पला बड़ा हूँ। सुपरस्टार हाँ सो उसमें लाइक इट्स गुड ऑल्सो एंड इट्स बैड ऑल्सो। गुड इसलिए क्योंकि लाइक मैं हमेशा दूसरों की बाउंड्री रिस्पेक्ट करना आता है मुझे, क्योंकि शुरुआत से ही वैसे टाइप के लोगों की लड़कियों के साथ रहा हूँ, तो मेरे को पता होता ही है कि उनको मैं बॉयज की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, मतलब वो तो बचपन में पता ही नेचुरली आ गया था या किसी ने सिखाया था, अब तो मेरे को याद नहीं होगा ऑब्वियसली, बट वो एक चीज है। फिर आई एम कंफर्टेबल विथ वुमेन, काफी सारे लौंडे बचपन से बॉयज स्कूल में होते हैं, बॉयज कॉलेज में जाते हैं, वही लाइक लड़कियों को ऑकवर्ड फील कराते हैं या अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, आई एम नॉट सेइंग सारे होते हैं बट काफी लोगों से अनविलिंगली भी हो जाता है, सो उस वे में आई एम फाइन। बट फिर बचपन में इसकी वजह से मैं शायद कभी कभी बुली भी होता था, कि जो पता नहीं लौंडे जेलस होते थे, जो बॉयज गैंग होती थी वो छेड़ते रहता था मुझे, हाँ लड़कियों के साथ खेलता है, लड़कियों के साथ खेलता है। बट उसकी वजह से फिर बाद में जो जो एकदम ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी वाली फीचर्स होते हैं वो भी मेरे अंदर नहीं आया, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि मैं आई वुडंट कॉल माइसेल्फ अ मैनली मैन, के मैं मर्द हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि मेरे लिए इंसान इंसान होता है, मतलब वैसे विच इज अ गुड थिंग कि मैं जेंडर फ्लूइडिटी में बिलीव करता हूँ, कि पिंक लड़कियों का ही होता है या ब्लू लड़कों का ही होता है, देखना अपन दोनों भी पिंक पहन के बैठे हुए वैसे तो। हाँ देन सो या जैसे मेरे को क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद, तब सब लोग क्रिकेट खेलते थे और मैं लड़कियों के साथ छुपा छुपी और पकड़ा पकड़ी खेलता था, सो दैट वे। हाँ तो या दैट ब्रिंग्स टू मेरे चाइल्डहुड में मोस्टली मैंने फीमेल्स के साथ ही, लाइक मोस्टली एक दो दोस्त जो गाई फ्रेंड्स होते थे वही होते थे, लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप के दो तीन लौंडे होते थे, बाकी मोस्टली यही होता था।
मेरा कभी वो लौंडो वाला ग्रुप नहीं रहा है जैसे होता है लोगों का. मे भी अपना स्कूल के टाइम पे थोड़ा सा छोटा सा बना हुआ 3-4 लोग का, बट वो भी लाइक उतना ज्यादा ऐसा क्लोज तो नहीं था जैसे होता है जन्मो जन्मो वाला लोगों का. सो दैट दैट इज माय फ्रेंड्स. पहले तू बता दे तेरे फ्रेंड्स के बारे में, फिर अपन पेरेंट्स पे आते हैं. तो यार लाइक स्कूल में तो जैसे अगर 8th के पहले का तो क्या ही रिकॉल करूंगा, ठीक है. अपने 8th में साथ में थे, तो 8th से 12th तक जब साथ में, तो स्कूल का तो एक अलग था ही, ठीक है. तो मेरा भी 8th 9th में था ऐसा के लड़कियों के साथ. ये तो टीनेज है, तू चाइल्डहुड में बता ना. चाइल्डहुड में बचपन में तो मेरा स्कूल में बिफोर 12 इयर्स. ओके ओके ओके. तो स्कूल में मतलब जब मैं 3rd में था या 4th में था ये वो, तो आई गेस तो के मतलब उस वक्त तो मेरे यार मतलब मेरा ऐसा रहा है कि मैं पता नहीं बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाता था बचपन वगैरह में. तो मेरे दोस्त रहते थे और मुझे ऐसा रहा है कि मुझे ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद है. ऐसा नहीं कि एक दो लोग के साथ ही अपना पीछे में बैठ के भाई बकचोदी कर ली, पीछे बैठ के कहानियां बना रहे, ऐसा नहीं. मुझे और मैंने शैतानी बहुत की है बचपन में, स्कूल में भी एंड स्कूल के बाहर भी. तो मेरा हमेशा ऐसा रहा कि यार स्कूल में तो एक अलग दोस्त है ही, सोसाइटी के अलग दोस्त है. सोसाइटी वालों के साथ अलग खेल रहे हैं हम लोग, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे बैठ के स्टंट कर रहा हूँ हाथ छोड़ के, ये वो मतलब ऐसे टाइप की चीजें वगैरह. तो मेरा बचपन में काफी अच्छे दोस्त रहे एंड काफी ज्यादा चीजें मतलब मैंने, मेरे साथ दो तीन इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जिसमें मतलब जिन्होंने मुझे थोड़ा सा जिसने मेरा माइंडसेट फॉर्म कर ले कह ले, या थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया कह ले, या कुछ भी ऐसा ये वो. जैसे मुझे बचपन में मुझे मेजर जो चोट लगी वो मेरे मतलब चाइल्डहुड में ही लगी. मैं शायद 2nd में या 3rd में था शायद, और तब मुझे लगे थे स्टिचेस वगैरह आए थे ये वो. तो वो चीज से कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा या कुछ भी है, बट ठीक है वो भी एक मेरा लाइफ चाइल्डहुड का पार्ट था. तो मेरा चाइल्डहुड काफी रफ भी बीता है और काफी स्मूथ भी था. मतलब कभी मुझे ना कोई सी चीज की कंप्लेंट नहीं रही यार कि मेरे लाइफ में ये चीज नहीं हो रही है, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, या वैसा नहीं लग रहा है. मेरे दोस्त रिच किड्स भी थे और नॉर्मल मेरे लेवल के भी थे, तो मैं सब चीज एंजॉय करता था. मेरे को कभी फील नहीं होता था कि यार मेरे बाबा पैसे क्यों नहीं ला के दे रहे, या मेरे पास ये क्यों नहीं है, या मेरे पास वो स्किल क्यों नहीं है, मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता है, वो सब जो बचपन में लोगों को होता है थोड़ा थोड़ा फील. तो मेरा चाइल्डहुड ओवरऑल काफी सही बीता था. तो ये तो था दोस्तों के पर्सपेक्टिव में. अब आ जाते हैं अपने माँ बाप पे. तो तू बता कैसा रहा तेरा बचपन तेरे माँ बाप के साथ. ओके सो पता नहीं मैं बचपन में बहुत ज्यादा डम था या इनोसेंट था या क्या, बट मेरे को ना कभी मेरे माँ बाप ने चीजें सिखाई नहीं है या बैठ के समझाया नहीं है. वो मेरे को रियलाइज होता है, अब मेरे को रियलाइज होता है कि बचपन से मेरे को बस हमेशा कह देते थे कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए. कि लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं बहुत छोटा था तब भाई जैसे मैंने बोला कि मेरी गर्ल्स ज्यादा फ्रेंड थी, तो वो लोग मुझे ऐसे मस्ती मस्ती में मारती थी, तो मैं भी उनको मारता था, और मैं उनको मारता था तो मेरे माँ बाप मुझको मारते थे. वो बोलते थे कि मत मार, बट ये नहीं समझाते थे कि क्यों नहीं मारना चाहिए. हाँ मैं तो ऐसे जेंडर डिफरेंस में बिलीव नहीं करता था, तो जेंडर क्या होता मुझे वो भी नहीं पता था. अब मुझे बस इतना पता था वो मुझे मारेगी तो मैं भी उसको मारूंगा. तो भाई ये मुझे किसी ने कभी तक नहीं समझाई. आई थिंक लाइक बहुत ज्यादा लेट सिखाई, मतलब लाइक एटलीस्ट लाइक आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में मैं आ गया था. तब जाके एक मैं मेरी फ्रेंड के घर पे गया था और मैंने उसने मुझे मारा था, और मैंने भी उसको तब मार दिया था, और उसका हाथ थोड़ा सा लाल हो गया था. तो तब उसकी मम्मी ने देखा और उसकी मम्मी ने मुझे अच्छे से बैठ के समझाया कि देख लड़कियां सेंसिटिव होती है, गाइस बॉयज की तरह नहीं होती, बॉयज थोड़े रफ टफ होते हैं तो उनको ज्यादा लगता है वो. बिकॉज वो बोलती नहीं थी क्योंकि वो भी मुझे हमेशा मारती रहती थी, मैं भी उसको मारता रहता था, हम लोग का वैसा डायनेमिक था. तो उसने उसकी मम्मी को भी कंप्लेन नहीं किया, तो उसकी मम्मी ने देख लिया कि उसका हाथ लाल है, तब उन्होंने. और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसा है, और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी लड़की के ऊपर लाइफ में कभी हाथ नहीं उठाया. बट वही है कि बैठ के इंसान को समझाना चाहिए ना. तो मेरे माँ बाप ने मेरे को लगता है कि वो नहीं किया कि हमेशा बोल दिया कि तेको ऐसे बिहेव करना है, तेको ये करना है, तेको वो करना है, बट कभी रीजंस नहीं दिए मुझे. सो दैट इज समथिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स. बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं माइंडसेट से रिलेटेड, कि बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे तो मेरे माँ बाप तो बचपन से ही मिडिल क्लास थे, तो उन लोग का माइंडसेट ही वैसा हुआ है. तो वही माइंडसेट डालते हैं. अगर तूने रिच डैड पुअर डैड या बाकी सारी बुक्स पढ़ी हो तो उसमें भी बोलते हैं कि जो रिच फैमिली के बच्चे होते हैं इवन तो डम होते हैं, लेकिन उनका बचपन से माइंडसेट ऐसा कंडीशन करते हैं कि वो आगे जाके सक्सेसफुल बन जाते हैं. सो ये है कि मेरा माइंडसेट हमेशा ऐसे ही था कि जितना मिल रहा है उससे थोड़ा सा कम ही करो, कि सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करो, या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैनॉट गेट दैट इन लाइफ, सो यू हैव टू लर्न टू कॉम्प्रोमाइज. ये सब मेरे को बचपन से सिखाया था, विच इज अ वेरी बैड माइंडसेट आई वुड से, कि तुम मेहनत ज्यादा करो ना, कोशिश ज्यादा करो. ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अपने आपके अपने बस फीलिंग्स थॉट्स एंड वांट्स को दबा के रखो, हमेशा सप्रेस क्यों करना है. सो बट मैं अब सीख रहा हूँ. सो वही कि
चाइल्डहुड में जनरली ये सब चीजें जो सीखती है वो बड़े होकर अगर रियलाइज कर लिया तो अच्छी बात है, एंड यू हैव टू अनलर्न इट योरसेल्फ। हर बात के लिए तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं डाल सकते, तो बस वही, बट वो है कि टाइम लगता है क्योंकि इतने सालों की जो कंडीशनिंग होती है वो चेंज करने में। सो या दैट्स दैट। तू बता तेरे पेरेंट्स के बारे में। तो यार मतलब अगर मेरे पेरेंट्स का मैं देखूँ ना, तो मैं अपने पापा के साथ ज्यादा क्लोज हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है, और मम्मी के साथ भी काफी सही है वो। बट मेरे पेरेंट्स ने मतलब हम लोग तब अहमदाबाद में थे, मतलब मेरा कैसा रहा ना कि मेरा बचपन अलग अलग सिटीज में बीता, मतलब मेनली अहमदाबाद दिल्ली ये वो ऐसा, ठीक है करनाल में था मैं पहले और ये वो, तो बदलता रहा। तो बट मेरे पेरेंट्स का कहते हैं उन्होंने मेरे साथ टाइम काफी स्पेंड किया, ठीक है ये जो तूने बोला ना कि बचपन में बैठ के समझाना वगैरह, कुछ कुछ चीजों में उन्होंने समझाया जो उस वक्त शायद उन्हें इम्पोर्टेंट लगा होगा, उन्होंने नोटिस कर लिया होगा कि यार ये समझाना जरूरी है, तो उस चीज में उन्होंने समझाया। सारी चीजें तो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं समझाया, कुछ कुछ चीजें खुद सेल्फ रिलेशन से भी आई है, जो तूने बोला लड़कियों को मारने वाली बात वगैरह, मेरे साथ भी ऐसा एक किस्सा हुआ था तभी मेरे को समझ में आई वो। बट रही बात जो तू बोल रहा है माइंडसेट वाली और ये वो ना, तो वो चीज में तो मैंने भी देखा है कि मेरे पेरेंट्स का भी यार देख, मेरे पेरेंट्स भी का जो बैकग्राउंड है पहले का ऊपर का, मतलब जो उनके पेरेंट्स है वो बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा रहा है, बहुत ज्यादा ही, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा, लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे आया ऐसा था, मतलब मेरे दादाजी वगैरह उनका ये वो। तो मेरे पेरेंट्स का ना हमेशा से एक उनके मन में एक खुशी ये रहती थी कि यार जो हम लोग को बचपन में मिला था हम उससे ज्यादा तेरे को दे रहे हैं, एंड उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं उनको अगर इतना सा मिला होगा मेरे को इतना सारा दिया है, तो उनके लिए ना वो एक माइंड में सेल्फ मतलब अचीवमेंट जैसा हो गया, या वो तो ऑब्वियसली खुश थे कि यार जो हमें नहीं मिला हमने तेरे को बहुत दिया है और दे रहे हैं, और हमें तो ये नहीं मिलता था ये वो। रही बात सेविंग मेंटालिटी और ये सब, वो मेरे घर में बहुत ज्यादा है, मेरे पापा भी ज्यादा स्पेंड नहीं करते अभी तक, सब चीजें बहुत अच्छी है वगैरह तो भी उनको नहीं पसंद है, तो ये एक चीज मैंने देखी है। एंड रही बात जो हमारी माइंडसेट है, जो क्योंकि हमारा माइंडसेट यार मेनली कंटेंट से, लोगों का कंटेंट कंज्यूम करके वो सबसे धीरे धीरे बढ़ा है। अब मैं दूसरों के घर पे जाता था तो मैं अपने दोस्तों के घर पे देखता था यार, कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा अमीर थे वगैरह, उनकी अपब्रिंगिंग अलग वे में होती है, क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनको पता है कि उसका वो कैसे कमाया जाता है या उसको कैसे बढ़ाया जाता है या वो चीज, तो उन बच्चों में मैंने वो चीज देखी है। तो वो यार जैसे उनका कंडीशन है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफर करता है। कुछ लोग थे जो मेरे घर मतलब मेरे घर से भी ज्यादा मतलब कंडीशन थोड़ी कम थी फाइनेंशियली, तो उनका एक अपब्रिंगिंग या उनकी एक इंपॉर्टेंस अलग थी यार। मैं बहुत बार कुछ चीजें छोटी मोटी ली, मैं तोड़ ओड़ देता था या खो देता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को लगता ठीक है ना नया आ जाएगा। मैंने दो लोगों को देखा भाई, एक छोटा सा छोटा खिलौना भी एकदम दिल के पास लगा के रख के भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप ने दिया है दोबारा नहीं मिलेगा ऐसे करके ये वो, तो ऐसे भी मैंने लोग देखे। तो वो तो पूरा ये तो पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग पे आ गया पूरी चीजें। रही बात वैसे तो आई थिंक अब की पेरेंटिंग और वो सब में बहुत फर्क भी है और चीजें बदल भी रही है, क्योंकि कॉन्टेंट हमें उतना मिला है, बुक्स कह लो या ऑनलाइन देख लो ये वो, पहले के लोगों को नहीं मिला यार, उन्हें तो लगता ही नहीं था, उन्हें तो कभी समझ में नहीं आता था कि ऐसा भी कुछ है या कुछ चीजें होंगी ये वो। Exactly. मैं बचपन में मेरे पापा उनका माइंडसेट वही होता था जो उनके सराउंडिंग्स में होते हैं, चार पांच लोग जो कहते हैं वही। तो यार मतलब मैं देखो बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, मेरे घर पे फोन था एक, तो उसमें स्नेक वाली गेम थी और एक बाउंस वाली गेम थी, तो मैं कभी कभार छुप छुपा के उनका फोन लेके ना खेलता था, और उसमें मेरे को डांट पड़ती थी कि भाई ये खेलने के लिए है, ये कॉल करने के लिए है, तो क्योंकि उस वक्त कभी उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि भाई फोन एक इतनी नॉर्मल सी चीज हो जाएगी, और मेरे को भी लगता था बाप का फोन एकदम छुप, मेरे को याद है एक दिन मैं अपने दोस्त को लेके आया था घर पे और मैं चुपके से जाके फोन लेके चल दोनों बैठ के जंप करके बॉल को बाउंस खेल रहे थे भाई हम लोग। तो वो एक मेमोरी है मेरे लिए कि यार ऐसा भी एक टाइम था कि भाई फोन छुपा के ले रहे हो, उसमें मेरे मतलब मैं अंदर चला गया, फिर मैं बाहर, मेरे पापा अब देख बड़े होके छुप छुप के क्या हरकतें करता है तू। तो आई गेस कि मतलब पेरेंट्स कह लो दोस्त कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे ऐसा फील होता है कि ठीक है बचपन था बीत गया और जो चीजें होनी थी वो वैसे हुई है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि और बेटर हो सकती थी, या मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि यार कम है या कुछ भी है, मेरे को लगता है कि ठीक है वो उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट थी और सही है, जो भी हूं मैं उसके वजह से थोड़ा बहुत है ठीक है, और बेटर ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट की हर जगह जगह है, बट जो था उस वक्त के लिए बेस्ट था। एंड मेरे को लगता है कि जिसके भी जैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, सपोज जैसे मेरा भी कुछ चीजें है जो मुझे लाइफ में कमी लगी हो या कुछ भी ऐसा, तो उसी चीज की इम्पोर्टेंस आगे जाके बढ़ जाती है एंड वही चीज फिर अपने आप डेवलप हो जाता है वो चीज़ है। आई गेस ओके, आई गेस इस पे हमें अग्री टू डिसएग्री करना ही पड़ेगा। हाँ ऐसे ही अपन आगे की बात करते हैं। हाँ। तू तेरे बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करेगा, हाउ विल यू मेक श्योर कि उनका चाइल्डहुड ऑप्टिमल हो, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग यू विल डू कंपेयर टू व्हाट योर पेरेंट्स डिड विद यू?
यार आई गेट, मतलब आई फील कि यार मेरे बच्चों को मैं बचपन में कोई अच्छी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगा सकूं, जूडो कराटे टाइप या सब ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरे को, चल ठीक है, उन्होंने मेरे को पुश नहीं किया कि नहीं तू कर 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 ऐसा। मैंने भी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मेरे को दलवा दो या मेरे को क्रिकेट कोचिंग में करा दो या फुटबॉल कोचिंग। मैंने आज तक, मैं ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेला हूँ लाइफ में, जो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं वैसे ही। मतलब ऐसे जो बहुत सारे बच्चे थे भाई जो बचपन से क्रिकेट विकेट खेलते हैं एंड कोचिंग लेते हैं कुछ, उनकी एक फिजिक अलग डेवलप हो जाती है, मेंटेलिटी अलग डेवलप हो जाती है। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। तो आई थिंक कि मतलब मैंने ज्यादा इतना सोचा नहीं अपने बच्चों के बारे में, बट ये एक चीज है जो मैं करवाना चाहूंगा जबरदस्ती। तो भाई तू कर, तू कुछ तो कर, मतलब कोई स्पोर्ट्स खेल या कुछ, एटलीस्ट कराटे जूडो कुछ सीख, ताकि कभी कुछ पंगा हो तो तेरे को आए। उससे फिजिक भी डेवलप होगी, माइंडसेट भी डेवलप होगा। एंड एक चीज है जो मैं चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं वगैरह, वो है कि यार मैं बुक्स रीड करने की हैबिट बहुत जल्दी डलवाऊंगा। मेरे को कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़ी ये आदत, सेकेंड ईयर कह लो, बट मैं चाहूंगा कि वो बचपन से पढ़े, भले ही सेल्फ हेल्प नहीं तो नॉर्मल बुक्स ही, कुछ भी बुक रीड करने की हैबिट डालूंगा। क्योंकि यार हम लोग जब स्टोरी लाइब्रेरी बुक्स भी। जाते थे, हाँ लाइब्रेरी जाते, मैं स्टोरी बुक्स कभी नहीं पढ़ा यार, बातें करता था। मैंने कभी ली नहीं बचपन में बुक्स यार। ठीक है, रेलवे स्टेशन में गए तो एक दो बार वो टिंकल विंकल उठाई थी मैंने, वो भी बस फोटो देख के छोड़ दी भाई। कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि कभी वैसा किसी ने पुश ही नहीं किया कि तू पढ़ या कर, ये वो जो होता ना कि स्ट्रिक्टली बैठ के करवाना। तो दो चीज तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहूंगा करवाना। दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा ना रिसोर्सेज जो मेरे पास होंगे, ऐसा नहीं कि मैं उसको सब चीज दे दूंगा कि हाँ भाई सब यूज कर, थोड़ा लिमिटेशंस रखूंगा, भले वो सोशल मीडिया हो, फोन हो या कोई भी चीज हो, उनको मैं उतना इजिली नहीं दूंगा जितना इजिली मेरे लिए होगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें सोची, ज्यादा डेप्थ मैंने कभी सोचा नहीं है। तू बता, तू अपने बच्चों को कैसे पालेगा? या सो यू नो, तूने ये जो पॉइंट बोला, इससे आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई एक चीज के मेरे माँ बाप इतने भी ज्यादा विलन नहीं है जितना मैंने पोर्ट्रे नहीं, किया नहीं, हुआ है। obviously, क्योंकि obviously, हाँ नहीं, मैं लिसनर्स के लिए बोल रहा हूँ, तू तो जानते है मेरे पेरेंट्स को, वो लोग नहीं जानते। सो ये जो तूने बोला कि कराटे स्किल्स वगैरह मेरे को बचपन से हर एक चीज में डाला है, तो मैं, मेरा बचपन से ही लाइक क्यूरियस और फोमो वाला माइंड रहा है कि अगर कोई कोई चीज कर रहा हो तो मेरे को कूल लगता है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। एंड मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे कराया, तो मैं कराटे क्लासेस गया हूँ, मैं स्केटिंग क्लासेस गया हूँ, मैंने फुटबॉल कोचिंग की है, क्रिकेट में भी घुसा था। बट भाई क्रिकेट तो मैं लिटरली फोमो में ही घुसा था कि ये लौंडे मेरे को छेड़ते रहते इसलिए मेरे को खेलना है, बोलते मेरे को कभी मन नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया मैंने। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हुई है, कीबोर्ड में अभी प्ले करता हूँ, मैंने बचपन में फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में भी मेरे माँ ने मेरे को डाला था क्लासेस में, बट वही था कि मैं तब से ही ऐसा था कि 2-3 महीने में बोर हो जाता और छोड़ देता था। तो मैंने सारी चीजें चालू की और सारी चीजें छोड़ी हुई है। सो उन्होंने फिर कभी ऐसा फोर्स नहीं किया मुझे कि नहीं तू फिर भी कर, फिर भी कर, फिर भी कर, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि मेरे को हर एक चीज एक्सप्लोर करने का दिया कि मेरे को हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज ली, अब इसका अलग वे में भी देख सकते कि अगर फोर्स किया होता तो मैं एक चीज में स्टिक करता और शायद उसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो जाता क्योंकि बचपन से कर रहा हूँ। बट ये तो डिबेटेबल चीज है, सो आई वुडंट ब्लेम देम फॉर दिस। उन्होंने जो मुझे करना था वो करने दिया, यही सबसे बड़ी बात होती है जो काफी बच्चों को मिलती नहीं है करने के लिए, कि उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ कंट्रोल करते हैं। सो एटलीस्ट यहाँ पे ये नहीं था ये चीज में। सो या दैट वॉज ये जस्ट चीज बहुत रिलेटेड टू अच्छी योर है कि पॉइंट। तेरे अब पेरेंट्स से देखो हाँ अलग अलग चीजें करवाई तो तेरे को पता तो चला कि क्या होता है, तेरे को तो नहीं पता वही कोई तो वो तो हाँ आगे कुछ बोल नहीं तो तेरे रहा बच्चों को करा के देख लेता। हाँ हाँ यार बट डेफिनेटली मैं भी मेरे बच्चों को करवाऊंगा ये चीज, तो आई वुड ऑल्सो से डेफिनेटली कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर जैसे तूने बुक्स के बारे में बोला, बुक्स में मेरे को शायद मेरे पेरेंट्स ने बचपन से बुक्स दिए, स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स वगैरह वगैरह। मैं बचपन में भी पढ़े पढ़े रामायण महाभारत की, पंचतंत्र वाली बुक्स पढ़ता रहता था, चाचा क्या चौधरी की बात बुक्स है, पढ़ता था। क्या तो बात इसलिए लाइब्रेरी में, अपने स्कूल में लाइब्रेरी में, तू जब गप्पे मारता था मैं लाइब्रेरी में भी बुक पढ़ता था। सो मेरे को याद है अभी भी, 10th स्टैंडर्ड में मेरे को एक बुक मिली थी, रोआल्ड डहल करके ये राइटर है जिसने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री लिखी है, उसकी अच्छा बुक है वेसाइड स्कूल इज फॉलिंग डाउन। वो इतनी ज्यादा मेरे को फनी लगती थी ना, मैं हर टाइम लाइब्रेरी जाके वही सेम बुक पढ़ता था और फटक फटकता रहता था अपने दिल के अंदर। वो बहुत मस्त बुक थी, कभी चांस मिले तो पढ़ लेना, शायद अब तक को फनी नहीं लगेगी लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को बचपन बहुत फनी लग में सकती है वो। हाँ सो या नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैं मेरे बच्चों को कैसे रखूंगा, तो बुक्स डेफिनेटली यस, न्यू एक्सपीरियंसेस ऑल्सो यस। फिर मैंने ना ये थियोरी में पढ़ा है, सो मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है रिवर्स साइकोलॉजी वाला, कि जनरली क्या होता है कि बच्चे चॉकलेट के लिए जिद करते हैं, तो माँ बाप ऐसे बोलते हैं ना कि पहले तो अपना खाना खत्म कर ले तो उसके बाद चॉकलेट या डिजर्ट मिलेगा। सो इधर उल्टा होता है कि वो पहले से डेजर्ट दे देते हैं और बोलते कि
ये तभी मिलेगा जब तू डेजर्ट खत्म करेगा। तो बच्चे जिद करते हैं कि हेल्दी फूड खाने के लिए, कि नहीं मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, मुझे वो करना है। तो फिर माँ बाप उनको वो दे देते हैं, मतलब बच्चों बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी जीत हुई, बट माँ बाप को जो चाहिए था एक्चुअली वही हो रहा है। समझ आ रहा है? यार ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वही 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 सर से बहुत सारी चीजें। फिर मैंने सोचा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्विंस करूंगा, एक को मैं अलग वे में ट्रीट करूंगा, दूसरे को अलग वे में ट्रीट करूंगा, जस्ट बिकॉज देखने की दोनों बड़े होके कैसे होते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करनी है उनके। तू अपने बच्चों को पालते हुए एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बना रहा है भाई, ठीक है? तू एक्सपेरिमेंट ही करने वाला है सब। या बट डेफिनेटली सेल्फ, ये सेल्फ डिफेंस वाली बात तो बहुत ज्यादा बराबर है, क्योंकि एक्चुअली जो लोग ये करते हैं ना वो लोग अंदर से काम बन जाते हैं, कि जनरली जो लोग मारपीट और फदकते रहते हैं वो ऐसे लुखे लोग ही होते हैं। अगर तेको याद होगा कि अपने ये स्कूल में विनीत कल्याण नाम का एक बच्चा था, हाँ वो ये थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स वगैरह में थोड़ा सा गुस्सा, उसकी बॉडी कितनी मस्त थी, उसके पास एब्स वेब्स होते हैं, उसके शक्ल देख के लगता नहीं था कि ऐसा भी है वो अंदर से। यार वो तो बाद में, मतलब कुछ सालों के बाद ही डिस्कवर हुआ था बच्चों को कि ये तो ऐसा है भाई। पहले तो कोने में रहता था, वो किसी से बात बात नहीं करता था, फिर पता चला। क्योंकि उसको पता है कि वो मारपीट करेगा तो आराम से जीत सकता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब कुछ आता है, इसलिए वो हमेशा दूर रखता था, लाइक एकदम पीसफुली जीता था, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पर हम लोग ऐसे इधर उधर उछलते रहते थे बेशर्मों की तरह। यार आई थिंक सेल्फ डिफेंस तो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तो मैं अभी भी सोचता हूँ यार कुछ सीख लेता हूँ, तो ये तो इम्पोर्टेंट है यार कि बच्चों को सिखाना चाहिए, कभी भी काम आ सकते हैं यार। और कोई चीज जो तूने पर्टिकुलरली सोची है? और हाँ मैं डेफिनेटली उनको इंडिपेंडेंट बचपन से ही करना सिखा दूंगा। लाइक एक बार 15 साल की उम्र, चल 16 पकड़ लेते, 16 क्रॉस हुआ, उसके बाद पॉकेट मनी बंद, उनको खुद उनके खुद के पैसे कमाने पड़ेंगे। सो मतलब घर दे दूंगा, खाना दे दूंगा वगैरह वगैरह, पर जो उनके खर्चे वगैरह होते हैं वो सब उनको खुद ही निकालने पड़ेंगे। मैंने 16 की एज में, मैंने 15 की एज में से काम करना शुरू किया था, तो वो लोग भी कर सकते हैं। सही बात है, एंड करना भी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें एक एडल्ट बनने के लिए प्रमोट करता है, जो आजकल के बच्चे सामने से ही कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि, आई थिंक ये मेरे बच्चों को भी मैं बचपन से ऐसे ही अपब्रिंग करूंगा कि वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने, कि ऐसा उनको कभी फील नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो हमेशा खुद का ध्यान रखना तो आना ही चाहिए। आई थिंक ये एटीट्यूड मैं कुछ डालू ना डालू, ये तो पक्का डालूंगा। एंड मैं बचपन से सारी चीजें सिखाऊंगा, तो वही के जो गलतियां मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने की है मैं वो नहीं करूंगा, और हमारे पेरेंट्स ने भी शायद हमारे साथ यही किया होगा, उनको लगता होगा जो उनके पेरेंट्स ने नहीं की हुई है। फिर इसमें भी कुछ ना कुछ गारंटीड कमी रह जाएगी आई एम श्योर, कि मेरा बच्चा बड़ा होके मेरे को गालियां देगा ही, और उसके बाद फिर उसके बच्चे के साथ यार वो तो जिंदगी का पार्ट है, गाली देना तो जिंदगी का पार्ट, कितना भी कोई कितना भी कर ले यार, नहीं यार मेरे माँ बाप ने ये तो नहीं किया, ये तो सबके साथ ही होना है। एंड आज से मतलब ये जो बात हम कर रहे हो 20-25 साल बाद की है, तो कुछ नहीं पता कि तब दुनिया कैसी होगी या टेक्नोलॉजी कैसी होगी या क्या नेसेसरी होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो बहुत 20-25 नहीं, 10 साल यार, 10-12 साल मैक्स, तब तो अपने बच्चे 4-5 साल के हो जाएंगे। मतलब मैं सोचता था कि 15-16 साल, मेरे बच्चे 16 साल के तो 20-25 साल बाद होंगे ना, मैं उस वे में सोचने लगा। हाँ बट हाँ ठीक है, काफी कुछ चीजें मेरे को नहीं, आई थिंक एक बार लाइक टीनेज हो जाए ना, उसके बाद आई थिंक बच्चों को बच्चा ट्रीट नहीं करना चाहिए, टीनेजर के बाद लाइक बच्चे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। हाँ। कि तब से वो सेंसिबल ज्यादा बनने लगता है, काफी माँ बाप वही ना कि वो बड़े होने तक बच्चे को बच्चा ही रखता है। सो वो गलती हमें नहीं करनी है, टीनेजर हाँ, से हम उनको थोड़ा सा फ्रेंड बना देंगे। यार ये चीज ना मैंने एक बार पढ़ी थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा मेरे साथ यही करते हैं एक्चुअली में। तो जैसे मैंने एक बार ना किसी का तो पढ़ा था, या अंकुर वारी को कि मैंने वीडियो देखी थी, कुछ तो था पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसने ऐसा बोला था कि 12-13 साल बाद या 15 साल के बाद बच्चों के फ्रेंड बन जाओ, तुम उनसे बातें करो वगैरह ये। एंड ये चीज ना मैंने कभी रियलाइज की नहीं थी ऐसी, जब उसने बोली तब मेरे को समझ में आके शायद मेरे मतलब पापा मेनली यही ट्राई कर रहे हैं, तो तभी मैं उनके साथ ज्यादा क्लोज हुआ, मैं उनके साथ चीजें शेयर कर सकता हूँ वगैरह। तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट भी लगता है यार, मतलब मैं मेरे साथ अब ठीक है, सबका एक पेरेंट के साथ होता है कि यार मम्मी हो या पापा, उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो वैसे कॉन्वर्सेशंस करते हैं जो अनकंफर्टेबल भी होती है एंड जो शायद क्या कहते हैं जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम लोग किसी और के पास सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाके अगर हम लोग बात करें ना, तो आई गेस कि उससे बेस्ट चीज कोई हो नहीं सकती। तो ये चीज बहुत अच्छी है जो तूने पॉइंट बोली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड बन जाओ उनके पॉइंट के बाद, वो बहुत जरूरी है। उससे यार क्या कहते हैं वो हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और
हाँ मतलब मेरे अभी भी दोस्त है ऐसे, ठीक है अब तो हम 24 साल के हो गए, हाँ ठीक है, तो मेरे दोस्त है ऐसे जो जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यार। मतलब वो अगर वो उनको चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका बचपन वैसा बीता है, उनके पेरेंट ने कभी भाई, वैसा कंफर्टेबल नहीं किया या टाइम नहीं दिया। बहुत सारों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं यार, सुबह जब बच्चा उठता है उससे पहले चले गए, रात को आए भाई थकार के, बीवी से बात की जो भी है मतलब सो गए, ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग वे होता है। बट मैं जब सुनता हूँ किसी को कि यार मैं अपने मॉम से बात नहीं कर सकता या पापा को नहीं बोल सकता, मेरे को ये मन है पर मैं नहीं बोल सकता, तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि ऐसे कोई कैसे अपने बच्चों को पाल के इतना बड़ा कर सकता है यार, कि तुम्हारे बच्चे अपने मतलब तुमसे बात नहीं कर। तो ये भी एक या चाइल्डहुड का मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यार पेरेंट्स को मतलब बात वैसे रखनी चाहिए, करनी चाहिए कि यार तुम्हारा बच्चा तुमसे तो कुछ बात करे। मैंने कितने दोस्तों को बोला यार वो अपने फीलिंग्स को और बहुत सारी चीजों को जो वो करना चाहते हो सप्रेस कर देते, एंड फिर कैसा कि वो छुपके करते हैं उन चीजों को, और छुपके फिर करते हैं तो हो सकता है फिर वो सही वे में करे या गलत वे में करे, ठीक है उसके तो अलग डायनामिक्स है, बट नहीं वो कंफर्टेबल ही नहीं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, वो बोल ही नहीं पाते जो वो करना चाहते, छुप छुपा के चीजें कर रहे, तो वो एक बहुत अलग चीज है। डेफिनेटली ये तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा गलत है कि बच्चों को उतना भी कंफर्टेबल फील नहीं होता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे अच्छे से ओपनली, जैसे तूने कहा। मैंने रिसेंटली लाइक पिछले महीने एक मूवी देखी थी, डेड पोएट सोसाइटी, नाम सुना होगा शायद तूने, बहुत फेमस मूवी है, सुना देखी है क्या? यार, नहीं, क्या होता है उसमें? हाँ या सो डेड पोएट सोसाइटी बेसिकली ये एक एलिट स्कूल के बारे में, कि एलिट स्कूल में एलिट बच्चे होते हैं, उनको एक तरीके से बिहेव करना, तहजीब में रहना वगैरह वगैरह। तो उसमें एक जो मेन कैरेक्टर होता है, सो उसका बाप ने बचपन से ही उसको इतना डोमिनेट करके रखा होता है कि उसको बोलने तक नहीं देता। अगर उसके फ्रेंड्स के सामने उसके बाप ने जो बोला, अगर वो हाँ या हाँ नहीं बोलेगा, मतलब कुछ अलग रिप्लाई भी देगा विदाउट डिसरिस्पेक्ट, तो भी उसका बाप ऐसे ऑफेंड हो जाएगा और उसको बोलेगा कि तेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट मत कर और ब्ला ब्ला, मतलब एकदम इतना दबा के रखता है कि उसके बाप को जो चाहिए वही, के तू अच्छी स्कूल में जाएगा, फिर एमबीए करेगा, जो भी है ये सब पढ़ाई में घुसेगा, तो उसमें फैमिली का रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ये सब मतलब सोशल स्टेटस उसके बाप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बच्चे को एक्टर बनना होता है उसमें, तो वो प्ले वे में जाता है तो प्ले करता है और उसमें बहुत अच्छा एक्टर होता है, उसको अवार्ड तक मिलता है और लाइक सब लोग उसकी तारीफ करते हैं ये। फिर घर आके अपने बाप को बोलता है वो कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन उसका बाप सुनता भी नहीं है, एकदम लाइक जबरदस्ती बोल देता है देखो यही करना पड़ेगा यही करना पड़ेगा, और फिर रात को जाके सो जाता है और फिर धमकी देता है कि तेरे स्कूल छुड़वा देंगे और तेरे को मिलिट्री स्कूल या कहीं पर डाल देंगे। सुबह उठता है उसका बाप, तब पता चलता है कि उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि इतना ज्यादा वो सप्रेस था कि वो अपने आप को बोल तक नहीं पा रहा था, कि अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहा था कि मुझे नहीं करना है, कि उसको उसके दिमाग में बचपन से यही फोर्स फीड कर रखा था कि समाज में स्टेटस अच्छा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए सोशली, एंड एलीट जॉब होनी चाहिए, ये सब एक्टर वैक्टर ये क्रिएटिव फील्ड्स में नहीं घुसना वगैरह वगैरह। सो वो सुसाइड कर लेता है, उसके बाद से उसके माँ बाप रोते रहते हैं और रिग्रेट करते हैं। सो ये डेफिनेटली अलग है कि अपने बच्चे की फीलिंग समझो, उनको इतना कंफर्टेबल फील कराओ और एक्चुअली उनसे सवाल पूछो, क्योंकि बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो अगर तुम उनको पूछोगे कि कैसा फील हो रहा है या फिर इसने क्या बोला है, जितना वो लोग के पास तुम बुलवाओगे वैसा होता है। जनरली माँ बाप अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो लोग रिएक्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द किड के तुझे कैसा फील हो रहा है। सो ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को पूछते कि उनकी फीलिंग्स के बारे में, कि उनको किस चीज ने कैसा फील करवाया। सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो अपन अलग करेंगे, एटलीस्ट मैं तो करूंगा। हाँ एक्चुअली। और यार मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है यार, मतलब क्योंकि यार बचपन एक अलग चीज होता है, ठीक है, और जो तूने बात बोली ना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे घर के सिचुएशन यार अपने पेरेंट्स की वजह से भी सुसाइड करते ही है, एंड ये मतलब फैक्ट है, बहुत सारे बच्चे करते हैं उस वजह से। बट जब तुम एक अडल्ट हो जाते हो, तुम बड़े हो जाते हो 20 21 साल के 22 साल के, और जब तुम मतलब थोड़ा बहुत भी ठीक है जब तक घर पे हो या घर वालों पे डिपेंडेंट हो, एंड उस मोमेंट पे जाके जब तुम्हें खुद की चीजें करने का एक्चुअली मन करता है, क्योंकि तब तुम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो दुनिया को, दोस्तों को, चीजों को देखते हो, कंपेयर करते हो कि भाई ये तो ये चीज करता है मैं तो नहीं करता है, और तब फिर तुम्हें एक्चुअल में कुछ करना होता, तुम यार अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाते। मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो लड़कियां भी है लड़के भी है जो बोलते हैं कि नहीं यार मैं बोल ही नहीं सकता अपने पापा से, वो मानेंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब ये चीज वही तो मतलब एक बार तो वो उनमें वो हिम्मत ही नहीं आ रही कि वो एक बार बात करे। मना करना हाँ करना तो एक अलग ही है कि कैसे सही है गलत है जो भी है, उनमें वो हिम्मत ही नहीं आ रही कि वो बोले, वो बोले कि मैं बोल ही नहीं सकता यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो आउट हूँ मैं नहीं आ सकता, जैसे ट्रिप हो गई या कुछ भी, बहुत बेसिक चीज है हाँ बट ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अपने पेरेंट्स को एक बार अपनी फीलिंग्स तो बताओ कि हाँ भाई मेरे को भी रात को किसी के घर पे रुकना है या मेरे को भी बाहर जाना है या मेरे को भी क्लब जाना है कॉन्सर्ट जाना है जो भी है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है।
आई थिंक ये दर्द से तो हम दोनों गुजरे, मतलब खुद के नहीं, मतलब अपने फ्रेंड्स जब ऐसा बोलते तो इतना अनोइंग फील होता है ये बातें सुन के। मतलब मेरे लाइफ का भी ये दर्द रहा है कि मेरे घर वालों का एक ही रूल रहा है बचपन से कि तू दिन भर कुछ भी कर, ये वो मेरे को इशू नहीं है, रात को तू कभी अपने दोस्तों के घर पे नहीं रुके। तो ये लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक तो मेरा था ही सीन ऐसा कि मेरे को कभी अलाउ नहीं किया कि मेरे को रात को किसी भी दोस्त के घर पे नाइट स्टे के लिए। जब दोस्त करते थे तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब, मतलब मेरे को अच्छा नहीं फील होता था कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे यार, बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो। आई थिंक मेरे को तेरे वजह से अनोइंग फील होता था कि मैं क्यों नहीं आ रहा पेरेंट्स। हाँ, तो तेरे घर पे जैसे कभी रात को चाय वगैरह कोई आते थे और मैं नहीं आता था तो मेरे को भी फील होता था कि यार मेरे को रात को क्यों नहीं भेज रहे, मैं तो बता के जा रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा हूँ, दोस्त के घर पे जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या यार तेरी मम्मी से बात करा देता हूँ कि हाँ भाई घर पे है या कुछ भी है ऐसा, एंड वो लोग नहीं मानते थे। तो फिर उसके बाद ट्वेल्थ में खुद ही गायब होना शुरू कर दिया रात में। तो अब तो देखना वो चीज, मतलब जो अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ करते तो मेरे को वो नहीं करना पड़ता। फिर मैं स्निक आउट करने लगा 11:30-12 बजे, वो लोग सोए तो मैं गायब हो जाता था, बार बार घूमता था, ये है वो है, याशी कर रहा हूँ, ये वो बाहर से कुंडी मार के। हाँ, तो ये सब भी किया है मैंने। अब ठीक है, अब वैसा चीजें नहीं है, बट अनॉय होता है फील अगर बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है और सब कुछ बता रहा है। ठीक है, चल पेरेंट्स को सही लग रहा है गलत लग रहा है वो उनका पर्सपेक्टिव है, बट ठीक है अलाउ करना चाहिए कि वो बता पाए कि उसको क्या पसंद है, ये बहुत जरूरी है। डेफिनेटली आई थिंक एक चीज जो मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी की है कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा सच बोलने का पनिशमेंट नहीं दिया मुझे। कि भले मैंने गलतियां भी की हो तो जस्ट, बट मैंने सच बोला तो उन्होंने अच्छे से रेडीली एक्सेप्ट कर लिया। उसकी वजह से शायद मेरा ब्रेन ऐसा हार्डवायर हो गया कि मेरे को झूठ बोलना नेचुरल नहीं लगता। मैं बाय डिफॉल्ट टफ सिचुएशंस में भी सच बोल देता क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे वैसे ही बड़ा किया। एंड अब मेरे को रियलाइज होता है कि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, लाइक मोस्टली ज्यादा लोग करते नहीं है। तो इसके लिए तो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट देम, एंड ये बात मैं बच्चों में भी डालूंगा कि लाइक सच बोलने में अलग ही एक लिबरेशन है। वो तो हमने ट्रुथ वाले पॉडकास्ट में की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, देख लेना। आई गेस हमने चाइल्डहुड पे काफी कुछ कवर अप कर लिया, एंड रैप करते हैं फिर, रैप करते हैं अभी। एंड फॉर द ऑडियंस हु आर लिसनिंग अस ऑन स्पॉटिफाई, तुम लोग बताओ तुम्हें क्या फील होता है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो तुम लोग भी कमेंट करो यार, अगर तुम्हें लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए जो तुम नए बच्चों में देखते हो एंड अभी मिस कर रहे हो, ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सप्रेस करो अपने आप का, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो यूट्यूब पे। एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई काइंडली फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपने बचपन की कहानियां लिखो भाई, हमें भी पढ़ने में अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे 9 PM। थैंक यू सो मच, पीस आउट।